उल्टा था रास्ता। ये बताइए कि आप लोगों का जो सपना है बिहार में जातीय जनगणना कराना, वो तो लगता है आप सपना ही रह जाएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से आप लोगों ने जल्दी अपील करने की अर्जी जो डाली थी वो भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। नहीं देखिए, जातीय जनगणना बिहार में होगा और होकर रहेगा। तमाम कानूनी पहलू हम लोग अभी इसमें देख रहे हैं, कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और उन राय के बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। और जो हाईकोर्ट ने अभी जो हमारी अपील को ठुकराया है, इसमें हम आगे के भी जो कानूनी ऑप्शन है उसको तलाश करके हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। क्या फ़ायदा होगा जातीय जनगणना कराने से? क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि जातीय जनगणना होना ही चाहिए बिहार में? देखिए, पहला तो ये जातीय गणना है, सर्वेक्षण है, और दूसरी चीज़ इससे फ़ायदा क्या होगा, तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं सिर्फ अगर एक मिनट के अंदर इस बात को रखूं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सरकार के रिसोर्स हैं, जो समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचना है, जो सामाजिक एकता की जो लड़ाई है उसको जब हम आगे पहुंचाना चाहते हैं, तो हम रिसोर्स को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कैसे उसका यूज़ करेंगे, तो इसको लेकर जातीय जनगणना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, और इसमें शुतुरमुर्ग बन के काम होगा नहीं। हर कोई जानता है जाति हर जगह है, हर जगह पे जाति का यूज़ हो रहा है, तो जब यूज़ हो ही रहा है तो सही आंकड़ा जानने में दिक्कत क्या है? सही आंकड़ा जानिए, अपने कार्यक्रम बनाइए और समाज के लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचाइए। केवल चुनावी लाभ लेने के लिए इतनी बेचैनी है जदयू को? नहीं देखिए, एक तो पहले आपको समझना होगा कि जो जनगणना है, सेंसस है, वो 11 के बाद नहीं हुआ, तो कैसे राज्य सरकार या भारत सरकार अपने रिसोर्स खर्च कर पा रही है, पहला ये मुद्दा है। तो उसके लिए भी, लेकिन जनगणना तो हमारे बस की चीज़ है नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे कंप्लेंट लिस्ट में आता है जिसमें राज्य नहीं उसमें है। लेकिन जो जनगणना है अगर वो नहीं, अगर भारत सरकार करा रही है, तो हम लोग कम से कम आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण करा के उन कार्यों को करना चाह रहे हैं जो भारत सरकार नहीं कर पा रही है। बिहार में जाति गणना एनडीए सरकार का कलेक्टिव रिजॉल्व था जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, लेकिन बिहार सरकार सही तरीके से अपना पक्ष और तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाई। नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से चोरी छुपे और रहस्य के पर्दे में जाति गणना कराने की कोशिश की, तो अपनी मनसा का भी इजहार सही तरीके से उन्होंने कोर्ट में नहीं किया और उनकी भद पिट गई। और ये ओबीसी समाज को बिहार की सरकार ने चिट कर लिया। देखिए, जाति गणना का सवाल उठाकर जाति के नाम पर लोगों को भरमाने की कोशिश है बिहार सरकार की, लेकिन जाति गणना कराने की इनकी मनसा दिखाई नहीं देती है। जेडीयू और आरजेडी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को ठगने के लिए जानी जाती रही है। ठीक उसी तरह कांग्रेस ने 2009 में पार्लियामेंट में यह रिजॉल्व लिया था कि 2011 में जाति जनगणना कराएगी, और 2011 में जब जाति गणना का सवाल आया तो उन्होंने रेगुलर सेंसस से कास्ट सेंसस को अलग कर दिया और अलग से उस पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और परिणाम क्या निकला? 9 करोड़ त्रुटियां, 5 लाख से ज़्यादा जातियां अंकित हो गई। और ये लोग ठीक उसी तरह, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, इनको जाति के नाम पर टोटका फैलाकर, भ्रम फैलाकर लोगों को वोट बैंक के लिए एकजुट करने के फिराक में है, लेकिन ये जाति गणना कराना इनके बस में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। केंद्र में आज ओबीसी समाज के 27 मंत्री हैं, और यही नहीं, ओबीसीज के लिए वेंचर कैपिटल फंड, नीट में ओबीसी को आरक्षण दिया। इतने काम हुए और ये लोग 30 साल तक कांग्रेस की सरकार जिसमें आरजेडी भी थी, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया। तो ये लोग ठगने वाले लोग हैं, ओबीसी को ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस ने ठगा है। और अब जेडीयू और आरजेडी ने जाति के नाम पर टोटका फैलाया, लेकिन ओबीसी समाज को बिहार में चिट किया है। इसका परिणाम इनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति जो विकास के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, वो अगर शरीर का कोई एक अंग कमजोर है तो उसको मजबूती कैसे मिलेगी? ये दायित्व बनता है सबका। और जातीय गणना, जातीय जनगणना नहीं, ये तो बिहार सरकार, क्योंकि वो तो
केंद्र को कराने का अधिकार है। जाति आधारित गणना का ये सर्वे था, माननीय न्यायालय ने किसी तरह से ये अंतरिम आदेश दे दिया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनतंत्र में जो न्यायपालिका होती है वो जन भावनाओं का भी कदर करती है, और आने वाले समय में जातीय जनगणना होगा, बहुसंख्यक लोगों के, पिछड़ों के, कमजोर लोगों की संख्या, कौन रिक्शा चला रहे, कौन भीख मांग रहे, कौन ठेला चला रहे, उनकी कौन सी योजना बने सरकार से जो उसको मजबूती मिले, ये प्रयास है और इस पे सबको सहमति सब लोगों की है। भाई पेड़ पौधों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, तो जाति की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? आप लोग जो चुनावी लाभ लेना चाहते थे बिहार में, वो तो लगता है अब सपना पूरा नहीं होगा। देखिए, चुनावी लाभ हानि से इसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर के बिहार विधान मंडल में सर्वदलीय सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था, और माननीय न्यायालय ने जातीय जनगणना पर अंतरिम आदेश से रोक लगाई है, 3 जुलाई को अगली तिथि सुनवाई की दी है, लेकिन बिहार सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय से अपील किया कि जल्द इसकी सुनवाई की जाए, क्योंकि कार्य प्रगति पर है, लेकिन माननीय न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया अपील को। फिर भी हमें ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, लेकिन माननीय न्यायालय में ही सरकार की ओर से मजबूती से कानूनी पक्ष रखी जाएगी और जातीय जनगणना किसी भी कीमत पर होकर रहेगी, इसे चुनावी लाभ हानि से नहीं देखना चाहिए। क्यों इतना जरूरी है जातीय जनगणना?